Hey guys, good morning and welcome back to my vlog. तो मैं और सरिता दीदी जा रहे हैं उज्जैन. सरिता दीदी को अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो अभी कैमरे में नहीं आना चाहती. वो थोड़ी देर बाद जरूर आएगी, गंगी नहीं किया उन्होंने इसीलिए. तो अभी हम लोग मतलब रायपुर से निकल गए थे सुबह. हम लोगों की ट्रेन है यहाँ बिलासपुर से नर्मदा एक्सप्रेस. तो वो ट्रेन है 11:45 पे. तो उसके लिए हम लोग रायपुर से बिलासपुर आए हैं. हम लोग रायपुर से निकले थे सुबह के 7:30 बजे की ट्रेन से और यहाँ पहुँच गए एग्जैक्ट 9:40 या 9:50 पे. तो अभी हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं. सुबह तो पहले उठकर हम लोगों ने इतना स्ट्रगल करके नाश्ता बनाया था, पूड़ी और सब्जी बनाया लेकर आए हैं, उसको भी खाएंगे. बट अभी कुछ हल्का फुल्का यहाँ भी देख ले रहे हैं और उसको भी साथ में खाएंगे. तो अभी तो बहुत तेज भूख लग रहा है तो हम लोग जा रहे हैं कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं. उसके बाद 2-1.5 घंटे भाई 2:12 ही समझो, 45 है तो 12 बजे ही लगभग छूटेगा क्या पता. तो 2 घंटे बाद हम लोगों की ट्रेन है तो तब तक हम लोग घूम फिर के आ जाते हैं, खा के आ जाते हैं. सोची थी व्लॉग का इंट्रो हम लोग वहीं से बना लूँगी जब हम लोग रायपुर से बैठे थे, लेकिन ट्रेन में बैठते के साथ ही मेरे को नींद आ गया था और मैं सो गई थी, दीदी भी सो गई थी. तो फिर सोची अब स्टेशन में उतर के ही बनाती हूँ. दीदी आ गए, अब व्लॉग भी बनाने के. तो हम लोगों का सीट यहाँ है, मतलब यहाँ नहीं है, एक सरिता दीदी का सीट यहाँ है 6 नंबर और मेरा सीट है वो पीछे है. मेरा 36 है और इनका 6 है. हम दोनों का सीट बहुत अलग अलग जगह है. और अभी हम लोग जस्ट आए हैं, ट्रेन आया है, ट्रेन आ गया था पहले बट हम लोग अभी अभी आए हैं और गर्मी ने भाई हालत ख़राब कर दिया है. और एक चीज़, पहले तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म 2 दिखा रहा था तो हम लोग 2 चले गए थे दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे. फिर वहाँ जाने के बाद चेंज हो गया, 1 दिखाने लग गया तो हम लोग 1 नंबर पर आ गए. फिर 1 नंबर पर आने के बाद थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म फिर 8 दिखाने लग गया, 8. फिर हम लोग 8 पे आ गए. और जब हम लोग प्लेटफॉर्म 2 पर गए थे ना तो वहाँ से जब लौट रहे थे 1 के लिए तो हम लोग सब सामान लेके आ गए बट गलती से मेरे से ये बैग छूट गया था. फिर आधे रास्ते में याद आ गया कि कुछ हल्का हल्का लग रहा है, फिर याद आया बैग नहीं है, फिर मैं बैग लेने गई. बट हम लोग जहाँ पे बैठे थे वहाँ एक अंकल थे, वो मैं जैसे गई तो वो बोले कि बेटा तुम कहाँ बैग छोड़ के चली गई थी, मैं तुम्हारे चक्कर में बैठा था, बैग छोड़ के चली गई हूँ बोल के 5-10 मिनट बैठा था. तो मैंने उन अंकल को थैंक यू भी बोला और आया कि वो मतलब मेरे बैग के चक्कर में बैठे हुए थे. फिर बैग लेके हड़बड़ आई, इतना गर्मी 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 लग रहा है, पापरी जुलाई के महीने में इतना गर्मी लग रहा है. उसके बाद आए हम लोग, फिर बैग वगैरह लेके ट्रेन के पास आ गए. अभी ट्रेन छूटेगा 11:45 पे, अभी 11:37 हो रहा है. बस राहत मिल रहा है बहुत तेज. और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ छाछ पी हूँ कि मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है. दीदी भी मात्र 1 पूड़ी खाई है और बस गर्मी लग रहा है इसलिए कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है अभी मेरे को. सुबह से मैं भूखी हूँ. मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग उज्जैन स्टेशन पहुँचने वाले हैं. हम लोग उज्जैन जंक्शन पहुँचे, देखो हम लोग होटल भी आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने. पोहा खा रही है सही तरीके. और हम लोग अब तैयार भी हो चुके हैं, मतलब सुबह पहुँचे थे. तो सरिता दीदी मेरा वीडियो शूट कर रही है और मैं सरिता दीदी, ईशा और उसकी दीदी जा रहे हैं नीचे, वो दोनों वेट कर रहे हैं. तो मैं बस व्लॉग का इंट्रो बनाने के लिए रुकी थी तो चलते हैं. सो मैं और सरिता दीदी निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए. दिशा आगे है, उसकी दीदी भी आगे है. अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर. ये देखो सरिता दीदी कितनी प्यारी लग रही है गाइस, देखो. फिर भी सेटिस्फाई नहीं अपने कपड़े से, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, क्या चाहिए और क्या. दूसरा कपड़ा पहनना था मेरे को, दूसरा कपड़ा पहनना था. अरे अभी और जगह दर्शन बचा, अभी बहुत सी जगह जाएंगे, बहुत सी जगह बचा है दर्शन करने के लिए. तो कपड़ों को बचा कर रखो गाइस. मेरा कपड़ा पहने की कह रही, लेकिन मेरे कपड़े इनको आएंगे नहीं. आ जाएंगे, आ जाएंगे. नहीं आएंगे, आ जाएंगे. नहीं आएंगे, नहीं आएंगे. मेरी पहचान आ जाएगी. नहीं नहीं नहीं, हाँ लूंगी लूंगी लूंगी. सो मेरे कपड़े दीदी को तब आएंगे जब दीदी पूरी फिटिंग खोल देगी. ये कह रही है क्या मैं हाथी जैसी हूँ. नहीं दीदी, अब हाथी जैसी नहीं है दीदी, पहले से बहुत पतली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है. रास्ते में सब आते जाते लोग देख रहे हैं और दीदी सबको देख रही है, कौन कौन देख रहा है. मैं घूम क्यों नहीं हाँ ये भाई सुबह से अकेले अकेले घूम रही है, मतलब पैंटा खोज रही थी, अभी भी कैसे पकड़ी है पैंटा खोज रही थी. हाँ पैंटा खोज रही है कब से ये बेचारी. ये देखो इनके ड्रामे चालू हो गया, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी. क्या क्या नहीं खाओगे? पनीर नहीं खाओगे? और ये नहीं खाऊंगी मैं हूँ ना ये. हम लोगों ने प्रसाद ले चुका है, ये मेरा है, ये सरिता दीदी और तो अब चलते हैं. हम लोग मंदिर अब घुस रहे हैं और अब मैंने टीका भी लगा लिया. चल रहे हो?
सरिता दीदी अपना टीका दिखाओ। ये देखो सरिता दीदी का भी टीका। ये बस ये जैसी सूखेगा ना मैं पूरे बाल इधर के वो नीचे कर लूंगी। अच्छा लग रहा ना दीदी, सुंदर सुंदर अब अच्छे लग रहे। बाहर में हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, दीदी पीछे है और मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं ना, मंदिर से निकल चुके हैं। अभी हम लोग बाहर कॉरिडोर में फोटो वगैरह ले रहे हैं। मैं दीदी एक बहुत प्यारा कॉरिडोर है उधर भी, और वेदर भी अच्छा है ना दीदी, आज गर्मी नहीं है, आज गर्मी नहीं है तो अच्छा लग रहा है ना। गर्मी तो अभी तक जान निकाल दिया होता हम लोग का। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर साइड। हर हर महादेव बोलो। ये देखो मिला, हाँ आज दीदी को आशीर्वाद मिला है किन्नरों से। दीदी की शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है, देखो कितना कुछ ले ही जा रही है। ये वाला अच्छा लग रहा है, दिखाओ दिखाओ। देखो ये अच्छे लग रहा है यार, ये वाले, ये टोट बैग ले लो ना, ये ले लो, आप यूज भी कर लोगे कहीं कहीं। अच्छा लग रहा है ना दोस्त, ये सब बड़े काम के हैं यार, पानी बॉटल। मेरी मम्मी को क्या पसंद आएगा, मैं क्या जानती हूं। देखो पसंद है यार, छोटे छोटे बैग में लेकर जाती हूँ ना तो मेरे सामान की गाइस। चलो आगे चलो, ये दो बैग हमें पसंद आया, हम ये दोनों बैग से ले लेंगे। लो देख लो, ये ले लो या ये ले लो, अगर बड़ा चाहिए तो ये लो, छोटा चाहिए तो ये लो। मेरा चेहरा गोल है तो मेरे पे हर तरीके का चश्मा चला जाता है। हम लोग रूम आ चुके हैं और बहुत तेज थक गई हूँ मैं वो तो नहीं थकी है, वो तो अभी भी घूमने जाना चाहती है, कहती है चल दुकान से आते हैं दुकान से आते हैं, लेकिन मैं हालत में नहीं हूँ। मेरा कमर दर्द हो रहा है, पैर भी दर्द हो रहा है, तो मेरे को अभी रेस्ट करना है ही। रेस्ट करूंगी थोड़ा, उनको भी रेस्ट करवाऊंगी क्योंकि, और रुको रुको रुको, पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये देखो सरिता दीदी पुटरे के लिए छोटा सा प्यारा सा टी शर्ट ली है, देखो कितना प्यारा है। ये कलर मैंने चूज किया, इतना प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा है पुटरी, इसमें बहुत मस्त लगेगी। दीदी पुटरी को ये मंगलवार बोले थे ना, मंगलवार को बोले थे ना, पहनाऊंगा। अच्छा सॉरी, सोमवार को पहनाऊंगी बोली थी मैं, मंगलवार से। और दिखाती हूँ, बना रही ना। और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ये चेरी वाली इयर रिंग, कुछ ना कुछ तो कपड़े में चला ही जाएगा ये। और दिखाती हूँ एक ये बटरफ्लाई वाली इयर रिंग, छोटा सा क्यूट, नहीं नहीं वो होगा, ये बटरफ्लाई वाला छोटा सा इयर रिंग। ये शालीग्राम मैं ली हूँ मम्मी के लिए, मम्मी देख ले मैं तेरे बारे में कितना सोचती हूँ। एक बैग भी ली हूँ जो दिखाई थी ना मैं, कहाँ गया इधर ही आसपास तो रखा, रेड कलर का था बैग, कहाँ गया यार बैग, कहाँ गया अब भी तो उतार के अंदर दिखा देखिए अच्छे से। ये ली हूँ मैं मम्मी के लिए, मम्मी जाएगी ना तो मीटिंग में तो इसको पहन कर जाना, ओके। और ये मम्मी के लिए बताई मैं जैसे कि, और ये दो प्यारा प्यारा चाभी छल्ला, एक मेरे विश्रामपुर वाले स्कूटी के लिए, एक मेरे रायपुर वाले स्कूटी के लिए, ये दोनों में से। और ये लिया है मैंने ये, और बाकी तो प्रसाद वगैरह है, लड्डू वगैरह है। सो मैंने जो जो लिया था आप लोगों को दिखा दिया, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। चलें आराम से।